हाय एंड वेलकम दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू बिकम स्मार्ट रिक्रूटर। सो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे एक स्मार्ट रिक्रूटर बन सकते हैं। सो दोस्तों अगर आप एक USIT रिक्रूटर हैं या फिर आप एक USIT रिक्रूटर बनने की सोच रहे हैं या ऑलरेडी आप एक एक्सपीरियंस रिक्रूटर है, सो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। सो दोस्तों हाउ टू बिकम ए USIT रिक्रूटर, ओके, हाउ टू बिकम स्मार्ट रिक्रूटर। सो फ्रेंड्स, मान लीजिए आपको कोई भी किसी भी IT पोजिशन पे आप काम कर रहे हैं या ऐसे USIT रिक्रूटर या टेक्निकल रिक्रूटर या IT रिक्रूटर किसी भी स्टाफिंग एजेंसी या कंपनी में यदि आप वर्क कर रहे हैं और आपको कोई भी IT पोजिशन जैसे कि जावा डेवलपर, .NET डेवलपर, प्रोजेक्ट मैनेजर, IT प्रोजेक्ट मैनेजर, DevOps इंजीनियर, ETL डेवलपर, ऐसी कोई भी पोजिशन आपको असाइन होती है तो आपको कैसे स्मार्टली काम करना है या कैसे एज ए स्मार्ट रिक्रूटर काम करना है, तो इस बारे में हम बात करने वाले हैं। मान लीजिए दोस्तों आपको कोई भी IT पोजीशन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, जावा डेवलपर असाइन की जाती है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको जो भी पोजीशन आपको असाइन की जा रही है उसको आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, आपको अच्छे से समझना है। और एक बात आपको ध्यान रखना है, जिस भी पोजीशन पे आप काम कर रहे हैं उसका जॉब टाइटल, मान लीजिए जैसे कि आपको जावा डेवलपर कोई भी पोजीशन असाइन हुई है तो आपको उस जॉब टाइटल के अल्टरनेटिव नेम भी पता होना चाहिए कि जावा डेवलपर को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर या जावा प्रोग्रामर, ऐसा आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको जॉब डिस्क्रिप्शन समझना है, पढ़ना है, समझना है, उसके बाद बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना है। तो अगर आप और अगर आपको जो भी पोजीशन आपको असाइन की जा रही है उसके अगर अल्टरनेटिव नेम पता है तो आप बुलियन सर्च स्ट्रिंग में ब्रैकेट के अंदर उनको कोटेशन मार्क लगा के और करके लिख सकते हैं, जिससे कि आपको स्मार्टली आप काम कर सकते हैं। इसके अलावा आप जब भी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं तो जो भी रिक्वायर्ड या टेक्नोलॉजी है या स्किल्स है उनके भी अल्टरनेटिव नेम आपको पता होना चाहिए, कि जैसे कि गिट क्या होता है, सब वर्जन होता है, और भी या अगर किसी कैंडिडेट ने गिट नहीं लिखा है तो सब वर्जन लिखा होगा या वर्जन कंट्रोल लिखा होगा या SVN लिखा होगा, ओके। सो जो भी टेक्नोलॉजी उसमें है उसके अल्टरनेटिव नेम भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप उस जॉब डिस्क्रिप्शन की बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाएंगे तो आपको अल्टरनेटिव नेम भी लिखना होगा, आपको स्मार्टली काम करना होगा। मान लीजिए कोई जावा डेवलपर है, अगर उसने आपके जॉब के अकॉर्डिंग अगर आपके क्लाइंट को ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको वर्जन कंट्रोल का एक्सपीरियंस हो, और अगर उसने वर्जन कंट्रोल ना लिख के गिट लिखा हो या SVN लिखा हो, तो आप क्या करेंगे? अगर आपको जैसे कि आपको वर्जन कंट्रोल, अगर आपके क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है कि आपको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जिसको वर्जन कंट्रोल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि वर्जन कंट्रोल में कौन कौन से टूल्स होते हैं। अगर आपको पता है तो आप इजीली कैंडिडेट को सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है और जो भी मेंशन टेक्नोलॉजी है उसका अल्टरनेटिव नेम भी आपको पता होना चाहिए, जैसे कि जीरा क्या होता है, व्हाट इज जीरा। सो जीरा इज ए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल और टेस्टिंग टूल, ओके। तो आपको पता है तो आप इजीली कैंडिडेट को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको जॉब डिस्क्रिप्शन अच्छे से पढ़ना है और फिर आपको बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाना है, ठीक है। फिर बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाने के बाद आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे को डिफरेंट जो भी आपके पास जॉब साइट्स है, जैसे कि करियर बिल्डर, डाइस, मॉन्स्टर, इंडीड, अगर आप किसी IT पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट को डाइस पे सर्च करना चाहिए और आपको अप्रोप्रिएट फिल्टर का यूज करना चाहिए। अगर आप फिल्टर, क्योंकि अगर आप एक स्मार्ट रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो आपको फिल्टर का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। सो पहली रिक्वायरमेंट तो है आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, और दूसरी रिक्वायरमेंट है आपको जो जिस भी जॉब पे आप काम कर रहे हैं उसके अल्टरनेटिव नेम आपको पता होना चाहिए, और जो तीसरी चीज है आपको जो भी आपने बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाई है, जो भी आपको IT पोजीशन असाइन की जाती है, तो उस बुलियन सर्च स्ट्रिंग को आपको बार बार बदल बदल के यूज करना है ना, एक ही बुलियन सर्च स्ट्रिंग को यूज नहीं करना। मान लीजिए आपने एक बुलियन सर्च स्ट्रिंग बनाई है, उससे आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहे तो आपको चेंज करना है। आप जितनी बार चेंज करेंगे उतने नए रिज्यूमे आपको मिलेंगे,
और उसके बाद बुलियन सचेस्टिंग आप बना लेते हैं, तो आपको अगर आप आईटी पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो आपको डाइस का यूज करना है और आपको फिल्टर यूज करना है, ठीक है। और फिल्टर यूज करने के बाद आपको कैंडिडेट के रेज्यूमे को सोर्स सर्च करना है, तो आप फिल्टर यूज करेंगे और अच्छे से बुलियन सचेस्टिंग बनाएंगे तो आपको अप्रोप्रिएट या एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन आपको कई कैंडिडेट के रेज्यूमे मिलेंगे। फिर उन रेज्यूमे को आपको वन बाय वन स्क्रीन करना है, जो भी गुड मैच हो या 100% या 82-90 या 100% मैच हो उन कैंडिडेट को आपको कॉल करना है। इफेक्टिव वे से आपको कॉल करना है, आपको प्रेजेंट अच्छे से करना है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और कैंडिडेट को डिटेलिंग करना है जॉब की, कि आपने कैंडिडेट को क्यों कॉल किया है और कैंडिडेट के लिए कैसे, जिस जॉब के लिए आपने कैंडिडेट के लिए फोन किया है या कैंडिडेट को कॉल किया है वो कैसे गुड फिट है कैंडिडेट के लिए। फिर कैंडिडेट को आपको अच्छे से प्रेजेंट करना है, इफेक्टिव वे में प्रेजेंट करना है और आपको क्या, इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको कम्युनिकेट करना है, आपको इंटरेक्टिव, आपको इस तरह से इंटरेक्टिव कंटेंट आपको बोलना है कैंडिडेट को, या इंटरेक्टिव वे जिससे कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आप देना चाह रहे हैं वो कैंडिडेट ध्यान से सुने। अगर मान लीजिए कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड बोलता है तो आपको पूछना है व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके, आपको बताना है कि हाउ दिस जॉब इज गुड फिट फॉर यू, ओके, आई कॉल यू रिगार्डिंग गुड अपॉर्चुनिटी, एक्सलेंट जॉब अपॉर्चुनिटी एज पर योर प्रोफाइल एंड माई क्लाइंट लाइक योर प्रोफाइल एंड आई बिलीव इफ आई सबमिट योर रेज्यूमे आई विल गेट समथिंग फॉर यू, ओके। सो इस तरह से आपको प्रेजेंट करना है, ठीक है। और अगर कैंडिडेट इंटरेस्टेड नहीं है या तो आपको पूछना है व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड, ओके, सो आपको पूछना है, ठीक है। अगर कैंडिडेट ने बोला यार आई डोंट वांट टू सबमिट दिस क्लाइंट, सो आपको रीजन भी पूछना है, व्हाट इज द रीजन, यू आर बिकॉज यू आर द गुड कैंडिडेट एंड आई होप आई विल गेट समथिंग फॉर यू, सो आई डोंट थिंक यू, आई थिंक यू शुड सबमिट। सो अगर कोई भी अगर इश्यू है तो वो पूछना है कि क्या व्हाट इज द, क्या प्रॉब्लम है जो आप इस क्लाइंट के सबमिट नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। वो बोलेगा कि मैंने प्रीवियसली कई बार सबमिट किया है लेकिन आई डिडंट गेट एनीथिंग, सो दैट इज वाई आई वुड नॉट लाइक टू सबमिट। सो आपको बताना है कि आपने, आपको पूछना है कि किसके थ्रू आपने सबमिट किया है, ओके। सो वो बताएगा कि मैंने यार इस एजेंसी के थ्रू आई सबमिट, आई हैव सबमिटेड। सो फिर आपको पूछना है कि उस एजेंसी के जिस सेम क्लाइंट में आपने जो अदर एजेंसी के थ्रू सबमिट किया है तो क्या वो डायरेक्ट क्लाइंट था या क्लाइंट और उस एजेंसी के मध्य कहीं लेयर थी, तो बोला आई डोंट नो। तो आपको ये बताना है कि दिस क्लाइंट इज आवर डायरेक्ट क्लाइंट एंड इफ आई सबमिट योर कैंडिडेट विद इन 2 डेज आई विल गेट इंटरव्यू रिक्वेस्ट फॉर यू, यू आर द गुड फिट फॉर दिस क्लाइंट, ओके। लास्ट वीक आई ऑल्सो सबमिटेड 2 कैंडिडेट एंड आई गॉट 1 जॉब ऑफर, ओके, आपको ऐसा बताना है, ओके। एंड वी आर वर्किंग फॉर दिस क्लाइंट मोर देन 10 ईयर्स एंड वी हैव द वेरी गुड रिलेशनशिप विद दिस क्लाइंट एंड सो फार वी हैव सबमिटेड मोर देन, सो फार वी हैव गॉट 300 जॉब ऑफर्स एंड राइट नाउ 200+ कैंडिडेट इज वर्किंग फॉर दिस क्लाइंट, सो वी हैव द वेरी गुड रिलेशनशिप, सो इफ यू सबमिट थ्रू मी टू दिस क्लाइंट डेफिनेटली वी विल गेट इन इंटरव्यू रिक्वेस्ट एंड एज इफ एवरीथिंग इज गुड वी विल गेट जॉब ऑफर, ओके। सो ऐसे आपको कैंडिडेट को कन्विंस करना है। अगर सपोज कैंडिडेट पार्ट पे इंटरेस्टेड नहीं है तो भी बताना है कि आपको कंपैरिजन बताना है कि ये क्लाइंट, आप जो अभी जिस भी क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं वो मोर देन उस क्लाइंट और आपके घर का डिस्टेंस 100 माइल है, और जो जिस क्लाइंट के लिए मैंने आपको कॉल किया ये मोर लेस देन 20 माइल्स है, आप अपना काफ़ी समय बचा सकते हैं, अपना कॉस्ट बचा सकते हैं और ये जो प्रोजेक्ट है ये लॉन्ग, इसका जो ड्यूरेशन है ये मोर देन 1 ईयर है, इस तरह से आपको कन्विंस करना है, ओके। सो स्मार्ट वर्क में आपको इफेक्ट, आपकी आपके पास आपका टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, आपको बुलियन सजेस्टिंग में मैस्ट्री होना चाहिए कि आपको बार बार चेंज करना बुलियन सजेस्टिंग, आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट जॉब साइज के फिल्टर का यूज करना आना चाहिए। अगर कैंडिडेट नॉट इंटरेस्टेड है तो आपको रीजन पूछना व्हाई यू आर नॉट इंटरेस्टेड और फिर आपको कन्विंस करना है कैंडिडेट। सो अगर
ये वे आप अपनाते हैं या यूज करते हैं, तो डेफिनेटली अगर आप 10 से 15 रेज्यूमे खोलते हैं, उसमें दो रेज्यूमे आप सबमिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।